एमएस मार्केट में खुशामदीद। आज की वीडियो में अब अगला पार्ट बना रहे हैं, जिस तरह हमने लास्ट टाइम पानी स्टोरेज किया था, तो इसको हमने स्टेप टू प्रॉपर तरीके से इसको हमने स्टोरेज किया है, तो आइए आपको दिखाता हूँ। अच्छा जी, अब ये ऊपर हमारी छत है, यहाँ से पानी हमारा आ रहा है, ठीक है। तो ऊपर छत भी तकरीबन इससे छोटी छत है, ये आप नॉर्मल छत देख रहे हैं, छत दिखा दे पूरी, ये नॉर्मल ये छत है हमारी, ठीक है, इससे छोटी छत है। और तकरीबन 6 मरले का घर है, तो ये 2 मरले की छत बननी है। ताला आ रहा है इस साइड पे, फिर यहाँ से हमने सेटअप किया है बाकी। अच्छा, जो लास्ट टाइम जो प्लग सॉकेट का मैंने आपको बताया था, कि मैं आपको छोटा सा शॉर्ट रिव्यू उसका भी दे देता हूँ, कि यहाँ से आपने ये प्लग एल्बो लगानी है, ठीक है। जिस तरह मैं इसको खोलूँगा तो ये सारा पानी यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। आप 5 मिनट तक, जब आपकी बारिश स्टार्ट हो तो यहाँ से 5 मिनट तक आपका पानी निकलता रहे, उससे फ़ायदा ये होगा कि आपका सारा लेंटर साफ़ हो जाएगा। उसके बाद ये प्लग बंद कर दें, ठीक है, और ये प्लग हमारा बंद हो गया। और उसके बाद जो पानी आएगा वो इस तरह नीचे देखें, पीछे देखें, पीपीआर का पाइप, पीवीसी का पाइप लगा हुआ है, इसका पानी आ रहा है टैंकी के अंदर, ठीक है। अब टैंकी के अंदर आ रहा है, अब हमने पहले तो यहाँ पर गार्डन पाइप लगाया हुआ था, अब हमने प्रॉपर इसकी फिटिंग की है। यहाँ पे हमने लगाया है पीपीआर का पाइप, यहाँ पे हमने यूनियन दिया है, कि कभी भी टैंकी खोल के साफ़ करनी पड़े तो यहाँ पे आसानी से आप यूनियन खोलें, टैंकी आसानी से उतार के साफ़ साफ कर लेंगे अगर कभी ज़रूरत पड़े तो। यहाँ से एयर के लिए हमने छोड़ा है ताकि एयर ना आए पाइप के अंदर। उसके बाद ये पीपीआर की सारी फिटिंग हुई है, नीचे तक हमारी फिटिंग जा रही है। ये अच्छा, अभी आप जो पूरा सिस्टम अभी यहाँ तक जो देख रहे हैं, हमारा पूरा तकरीबन नीचे तक ऑटोमेटिक सिस्टम है, ठीक है। इसमें ना हमने इसको वॉल ऑन करना है ना ऑफ़ करना है, एक बार बस बारिश शुरू हो रही है तो ऑटोमेटिक सेव हो रहा है, ना वॉल बंद करने की ज़रूरत है ना ऑन करने की ज़रूरत है, ये ऑटोमेटिक हमारा सिस्टम बना हुआ है। तो बाकी ये है कि अगर आप टैंकी का खर्चा जाना चाहते हैं तो फिर पीवीसी का पाइप आएगा मोटे वाला, वो फिर नीचे लगेगा नहीं, हमने नीचे साथ फ़िल्टर भी लगाया हुआ है तो फ़िल्टर में फिर वो पाइप नहीं लगेगा, तो ये टैंकी वाला खर्चा भी आपको करना पड़ेगा। इसमें यह है कि हमारी ये टोटल 32 mm की हमने फिटिंग की है ये सारी, तो 6 लेंथें तकरीबन हमारी लगी हैं, 6 भी नहीं लगी बल्कि 5 लगी हैं, 1 लेंथ हमारी थोड़ी सी बची हुई है, बल्कि 5.5 कर लें, 5.5 लेंथें हमारी लगी हैं। अभी आपको मैं नीचे की फिटिंग दिखा रहा हूँ, तो सबसे पहले हम जिस तरह ऊपर से आए थे तो फिल्टर वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो ये ऊपर से हमारी फिटिंग आ रही है, ठीक है, यहाँ पर हमारा फिल्टर लगा हुआ है, ये हमारा फिल्टर लगा हुआ है, ठीक है, और SWS वाटर प्योरीफायर कंपनी का ये फ़िल्टर है, वो फिल्टर है, और 20 इंच का ये फ़िल्टर है। इसका सिर्फ जो फ़ायदा है कि ये प्रेशर डाउन नहीं करता। अच्छा, अब जो फ़िल्टर की डिटेल है वो मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, अनबॉक्सिंग की वीडियो तो मैंने बनाई हुई है, पर उसको प्रॉपर उसको एडिट शेडिट करके और प्रॉपर उसको बाद में फिर बनाएंगे फ़िल्टर की कंप्लीट वीडियो। तो फ़िलहाल बाकी फ़िटिंग की तरफ आ जाते हैं। उसके अलावा देखें, यहाँ से फ़िल्टर से पानी आ रहा है, तो फ़िल्टर यहाँ से आसानी से खुल भी जाता है, ये यूनियन यूनियन लगे हुए हैं, तो यहाँ से यूनियन से आसानी से फ़िल्टर खुल जाएगा दोनों साइडों से। उसके बाद यहाँ पे आप नीचे देख रहे हैं कि दो तरफ पानी जा रहा है, नीचे आप देख रहे हैं ग्रीन पाइप दो तरफ जा रहा है, एक जो इस साइड लेफ्ट साइड पर जा रहा है, ये जा रहा है टैंकी की तरफ, टैंकी की तरफ आ जाओ। ये देखें, ये जो लेफ्ट साइड पर पाइप हमारा जा रहा है यहाँ से, ये जा रहा है टैंकी के अंदर, यहाँ से हमने ड्रिल करके यहाँ पर पाइप लेके गए हैं। नीचे आप देखें, फुटवॉल दिखा दे रहा, नीचे आप देखें ये ग्रीन पाइप हमने लगाया है, फुटवॉल। फुटवॉल का बेसिकली मकसद क्या होता है, कि पानी जब टैंकी का लेवल ऊपर हो जाए तो ये पानी को बंद कर देता है, मतलब फिर ये बॉल जब ऊपर हो जाती है, ठीक है, ये बॉल होती है, ठीक है, जिस तरह पानी इसमें बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा तो ये बॉल ऊपर हो जाएगी, ठीक है, फिर नीचे वॉल लगा हुआ है, फुटबॉल, ठीक है, और तो ये पानी बंद हो जाएगा। उसके बाद पानी कहाँ पर जाएगा, पानी बंद हो जाएगा, सारी बात है पानी ने कहीं तो जाना है, पानी बंद हो जाएगा जब बारिश का, तो फिर जाएगा इस वाले साइड पर, ये है हमारा बोरिंग का कनेक्शन, साइड पे आ जाए। अब हम इसको डायरेक्ट इसके साथ भी जोड़ सकते थे, हाँ, हाई करने का इसका मकसद क्या है कि पहले जाए भाई नीचे वाले पानी, नीचे वाले टैंकी में पानी, ताकि बाद में बोरिंग में जाए, नीचे वाले टैंकी फुल हो जाएगी तो यहाँ से बोरिंग में पानी जाएगा। यहाँ पे हमने नॉन रिटर्न वॉल लगाया हुआ है, नॉन रिटर्न वॉल का मकसद ये होता है कि पानी जाएगा तो सही पर आएगा कोई नहीं, मतलब यहाँ पर इसमें सिस्टम लगा होता है रिटर्न वॉल में, पानी साइड में नहीं आएगा, पानी सिर्फ यहाँ से इस तरफ जा सकता है।
अच्छा, अब आपको मैं पूरा अपना सेटअप दिखा चुका हूँ। अगर फिर भी कोई चीज़ अगर आएगी हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और कमेंट करके बताएं कि मेरा सेटअप वगैरह कैसा है। दूसरा ये कि ये पूरा सेटअप जो है वो हमारे पास अवेलेबल है, हमारी शॉप है इस्लामाबाद एयरटेल वन में, तो वहाँ से आपसे कंप्लीट ये सेटअप करवा सकते हैं और हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, इसके बारे में पूछ सकते हैं। तो अगर आप ये ऑर्डर करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, वहाँ से जाके हम अपने ऑर्डर कर सकते हैं इस सेटअप के बारे में कि हमें ये इंस्टॉल करके दें घर में। तो हमारा जो टीम है और जो हमारा बंदा वो आपके से कॉन्टैक्ट कर लेगा खुद ही। और प्राइस अप डाउन हो सकती है, प्राइस का मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि आप जिस टाइम हमसे कॉन्टैक्ट करें, प्राइस की जो भी अभी की जो कम्प्लीट डिटेल है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से जाके प्राइस चेक कर सकते हैं चीज़ों की फ़िलहाल। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। तो ये तो मैं वाला बता।